हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक मशीन में नहीं अनबॉक्स द बॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे टट्टी फोन के बारे में जिसको कल लॉन्च कर दिया गया है। अब उस फोन को लॉन्च करने के लिए उस फोन ने क्या तरकीब निकाली, उसने सोचा यार फोन लॉन्च करना है, क्या करें क्या करें क्या करें। उसने कहा चलो दुबई में बुलाते हैं लोगों को, तब तो लोग आएंगे, फोन अच्छा लॉन्च होएगा, नाम बढ़ेगा। उन्होंने क्या किया, सारे जितने भी टेक यूट्यूबर थे, जिनको भी मीडिया वाले थे, कहा आ जाओ दुबई आ जाओ, हमारे खर्चे हुए सब खर्चा मैं दूंगी, सारे होटल फ्लाइट वगैरह टिकट मैं दूंगी, आप दुबई में आइए, फोन ले जाइए, रिव्यू कीजिए अच्छा अच्छा मेरे लिए, वो मेरे फोन को सफल बनाइए, ये उन्होंने कहा। तो उस टट्टी फोन का नाम है इन्फिनिक्स 05। फाइव पहले, फोर कहाँ पे है पहले? इस फोन का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई, इन्फिनिक्स। पता नहीं आपने कभी सुना है इस फोन का नाम पहले इन्फिनिक्स, ये एकदम से कहां से घूम के आ गया। अच्छा ये फैल भी क्यों रहा है मैं बता दूं, क्योंकि इसने सबको दुबई में बुलाया भाई, दुबई में। दुबई में बुलाया, लोगों को तारीफ तो करनी पड़ेगी इसकी, है ना। मुझे बुलाया नहीं दुबई में, मैं तारीफ नहीं कर रहा। अरे नहीं मैं बताता हूँ, मेरे को ये फोन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब इसके मैं आपको फीचर बताता हूँ, तो फीचर क्या है, ऐसी नाम के फीचर है कि डाल देते हैं हर कोई। अब बताता हूँ फोन इतना बेकार है ना, इसके फीचर ज्यादा भी नहीं किए, अब मैं देख के बताऊंगा दूसरे फोन से आपको। देखो ये एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है इन्फिनिक्स। हांगकांग बेस्ड कंपनी इंडिया में क्या कर रही है पता नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर डिस्प्ले देते हैं हमें 5.98 इंच की, 5.98 इंच की डिस्प्ले दे रहे हैं भाई। टैबलेट है क्या, या फैबलेट है? फैबलेट, सब सैमसंग से शुरू हुआ है, सब नोट सीरीज से। 1080p की डिस्प्ले, मतलब फुल एचडी की डिस्प्ले दे रहे हैं 6 इंच की स्क्रीन में। अबे भाई शर्म करो, थोड़ी बड़ी दे देते, QHD दे देते, क्वाड एचडी नहीं, QHD 14 1440p वाली। लेकिन नहीं, हमें तो भाई टक्कर लेनी है मिड रेंजर्स फोन से सबसे। अब प्रोसेसर कौन सा दे रहे हैं ये, अच्छा फोन होता तो मतलब अच्छे पैसे खर्च करता, स्नैपड्रैगन डालता प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 800 डालता, 820 डालता, 630 डालता। लेकिन इसने कौन सा डाला, वही मीडियाटेक प्रोसेसर, मीडियाटेक हीलियो P25 ऑक्टा कोर एसओसी विद 6GB ऑफ रैम। 6GB ऑफ रैम क्यों डाली, क्योंकि सब डाल रहे हैं आजकल, 6GB रैम से मेरा रुतबा बढ़ेगा है, इस फोन का कहना है। और एंड्रॉइड कौन सा है इसके अंदर, वही 7.0, जिसकी कभी अपडेट आएगी नहीं आगे, मुश्किल से 7.1 दे देंगे और ओरियो के लिए भूल जाओ, अपडेट नहीं देंगे। ऐसे फोन है बहुत निकले पीछे जो आते हैं अपडेट नहीं देते। फीचर्स 12 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 12 मेगापिक्सल का पीछे का कैमरा देते हैं जो वाइड एंगल लेंस के साथ, और एक और कैमरा देते हैं, दो कैमरा जरूर देंगे भाई, दो कैमरा दिया तो इज्जत मार्केट में बेकार हो जाएगी इनकी, क्योंकि तो ट्रेंड चल रहा है आजकल ड्यूअल कैमरा का। और ड्यूअल कैमरा में सिर्फ क्या फीचर देते हैं, एक चीज डालते हैं कि इसमें पोर्ट्रेट मोड है, इससे आपके पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। और कुछ पता है क्या होता है, क्या यूज कर सकते हैं, जो भी आता है पोर्ट्रेट मोड है। और आगे फ्रंट फेसिंग में इसमें दे रहे हैं 16 मेगापिक्सल कैमरा, सेल्फी अच्छी आनी चाहिए ना, सेल्फी वीवो से शुरू हुआ, ओप्पो से शुरू हुआ, ये फैलती जा रही है। MI ने भी अपना Y1 निकाल दिया है, सेल्फी सेंट्रिक फोन। तो ये इन्फिनिक्स पता नहीं कहाँ से आई है, ये भी कह रही है मैं भी सेल्फी तगड़ी दूंगी, 16 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा LED फ्लैश के साथ, सेल्फी में आनी चाहिए मस्त, सेल्फी मैंने ले लिया आज। इसके अंदर है मेटल का डिजाइन, पीछे का डिजाइन आप देखोगे, ये देखो फोटो में बिल्कुल जाना पहचाना डिजाइन है, नेक्सस 6। याद आया, बस दो कैमरे लगा दिए, नेक्सस 6 जो इसका फोन आया था, नेक्सस 6T आया था शायद, अब देखिए। और इसके अंदर एक चीज सेम है, वही मेमोरी है, 64GB इंटरनल तो उनको रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो नॉर्मल फोन रेडमी नोट 4 दे रहा है 13,000, जो कि अब 12,000 रुपये का हो गया है 64GB मेमोरी वाला फोन,
वो भी दे रहा है, तो ये कह रहे हैं यार हमें तो देनी पड़ेगी, 64 GB से शुरुआत करते हैं हम भी, तो इन्होंने दी 64 GB। अब एक्सटर्नल ये एसडी कार्ड भी लगाने को बोल रहे हैं, एसडी कार्ड में कितनी दे रहे हैं, 128 GB। क्यों? अरे इससे पहले अभी एक फोन लॉन्च हुआ था, मोटो X4, आप सोचोगे नहीं वो कितनी दे रहा है एक्सटर्नल, वो दे रहे हैं 2 TB की एक्सटर्नल स्टोरेज। माय गॉड, कंप्यूटर फेल। अब देखिए क्या क्या बता दिया मैंने आपको, प्रोसेसर बता दिया इसका, स्क्रीन बता दी और रैम बता दी इसकी, एंड्रॉइड बता दिया, कैमरा बता दिया, और क्या बताए, इस फोन में एक है उंगली मार फीचर है जिसको कहते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर, उंगली मारो फोन खुल जाएगा, बस ये लगाना जरूरी है भाई, बायोमेट्रिक चल रहा है इसलिए जरूरी है। थोड़े टाइम में एप्पल की कॉपी सब करेंगे, फेस आईडी इम्पोर्टेंट लगा देंगे, सब सारे फेस आईडी डालेंगे, तो देखना। चलिए चलिए और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं, पूरे फोन में एक चीज ढंग की है सिर्फ, क्या, बैटरी 4320 mAh, 350 mAh की, चलो 30 इनका 30 mAh क्यों खा जाऊं, पूरा ही बोलता हूँ, 4350 mAh की इसमें बैटरी है पूरे फोन में, यही एक सबसे सही है, पावर बैंक का काम करेगा, कोई पावर बैंक की जरूरत नहीं है, फोन अगर बैटरी चाहिए तो ले लो, वैसे भी अगर मन कर रहा है तो ले लो, मेरी ओपिनियन मत सुनना, मैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं बेइज्जती मार रहा हूँ, साफ है, अगर आपको अच्छा लगे ले लेना। अब इसका प्राइस बताता हूँ, प्राइस बताऊंगा तो आप कहोगे यार मेरे को भी लेना, बेकार फोन है। इसका प्राइस है 18,000 रुपये। यस, इसका प्राइस है 18,000 रुपये। अब आप कहोगे भाई सही बता रहा था तू, 18,000 रुपये, इससे बढ़िया मैं 15,000 में MI A1 ले लूंगा, गूगल का सपोर्ट है, सारे डुअल कैमरा है, इससे अच्छा कैमरा है, 64 GB की इंटरनल मेमोरी है, अपडेट मिलेगी एंड्रॉइड ओरियो, एंड्रॉइड पी तक मिलेगी, ओरियो तो भी आ जाएगी, डुअल कैमरा, इतना अच्छी स्क्रीन है उसकी, फुल एचडी स्क्रीन है और 5.5 इंच की स्क्रीन है, कोई ज्यादा बड़ी भी नहीं है कि ज्यादा ऐसी हैवी लगे, एकदम मस्त होल्ड होता है, आवाज अच्छी है। नहीं, मेरे को MI वालों ने स्पॉन्सर नहीं कर रखा कि भाई MI A1 की बढ़ाई करो, वाकई अच्छा फोन है, मेरे को इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ। MI A1 अगर लेना, अगर आपको फोन लेना है अभी 15 से 20 हजार के बीच में, MI A1 लो, ये क्यों ले रहे हो यार, इन्फिनिक्स टट्टी वट्टी फोन है, 18,000 3,000 और फूकोगे और फिर जेल होगे, इन्फिनिक्स नाम नहीं सुना, कुछ नहीं करा, आप आओगे अगर मान लो सिचुएशन देखो, अगर आप आए इन्फिनिक्स 05 खरीदा, आप चला रहे हो, आपका दोस्त आया, ओ कौन सा फोन ले लिया, आप क्या होगे, इन्फिनिक्स 05, वो कह चाइना है तो छूटते ही बोलेगा, हालांकि MI भी चाइना है लेकिन उसने थोड़ी अपनी रैपो है ना बना ली है, इधर है तो इधर है, अब क्या पता है इन्फिनिक्स है ये आज इधर है, ये भी थोड़े दिनों में इधर आ जाए, तो बढ़िया, अगर बढ़िया काम करेगा इन्फिनिक्स, अच्छे अच्छे फीचर्स देगा, मतलब ये जो प्राइस रेंज में सही फीचर्स देगा, जी मेरे को तो फीचर्स के सही नहीं लग रहे, मीडिया टेक प्रोसेसर दे रहा है इतनी बड़ी स्क्रीन में, इतना कम रेजोल्यूशन दे रहा है, और इतनी क्या बोलते हैं मेमोरी कम है इसके, 64 GB रेट ज्यादा है, तो आई डोंट थिंक कि ये फोन मेरे को अच्छा लग रहा है, अगर आपको लेना है इसके बढ़िया MI A1 लीजिए, नहीं तो आप Redmi Note 4 भी ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, तो ये इस टट्टी फोन के बारे में आपको बता रहा था, ये फोन बिल्कुल टट्टी है, आई गिव इट अ डिसलाइक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपको गुस्सा आया हो इनने Infinix Note 5 के बारे में, 05 के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, तो डिसलाइक कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट में अगर आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे क्यों बैठे हो भाई, तो जितने मेरे भाई बंधु जो कि इनएक्टिव हो गए इस चैनल पे, वापस आ जाओ यार, मैं एक्टिव हो गया हूँ, इस चैनल का नाम भी मैंने टेक मशीन से अनबॉक्स का बॉक्स में बदल दिया है, तो वापस आओ, देखो मेरी वीडियोस को, अब से रोज ही ऐसे फ्री मूड में वीडियो बनाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना मौज है, सब कुछ मौज है, भगवान की दुआ है, आप लोगों की कृपा है, या भी चैनल पे आते हो, तो आज के लिए इतना ही, बवाई, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं बाद में, और इन्फिनिक्स दुबई में करोगे इनवाइट इवेंट अगली बार से, तो मुझे भी बुलाना।